मंगलवार को अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप पुष्कर पहुंचकर कस्बे का दौरा किया। वहीं पुष्कर सरोवर में गंदे पानी की समस्या को लेकर तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों से फीडबैक लिया। इसके पूर्व में कलेक्टर एसडीएम कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के बाद कलेक्टर ने पुष्कर कस्बे का दौरा करते हुए पुराने मेला मैदान का निरीक्षण किया। इसके बाद जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर ब्रह्मा जी के दर्शन कर आरती उतारी। इसके बाद ब्रह्मा मंदिर का एंट्री प्लाजा के बारे में एसडीएम से जानकारी ली। वहीं तीर्थ पुरोहित अरुण पाराशर और वैद्यनाथ पाराशर ने एंट्री प्लाजा के बारे में जानकारी देते हुए पुरातत्व विभाग के नियमों विपरीत जाकर एंट्री प्लाजा का निर्माण होने की जानकारी दी। इसके बाद कलेक्टर ने पुष्कर सरोवर के ब्रह्मा घाट पहुंचे और यहां पर तीर्थ पुरोहितों ने पुष्कर सरोवर में जा रहे गंदे पानी की समस्या से छुटकारा दिलाने की कलेक्टर से गुहार की। इसके बाद कलेक्टर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मौका निरीक्षण किया। आज देखिए, आज तो प्रीलिमिनरी विजिट है देखने के लिए कि पुष्कर में क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या समस्या है। जैसा मुझे बताया गया है, एक सीवरेज का समस्या है, दूसरा बिजली की लाइन का समस्या है। उसके संबंध में क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, उस क्रम में प्लान बनाया जाए और जो समस्या हमारे सामने आई इसका त्वरित रूप से किस प्रकार से इनका समाधान कराया जाए। सर, पवित्र सरोवर में काफ़ी समय से सीवरेज का गंदा पानी जा रहा, बरसात का पानी जा रहा, इसका अभी तक आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। अब देखिए, क्योंकि इसका पूरे पुष्कर का जो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक कटोरा नुमा है। इसका समाधान अब कोई तकनीकी समाधान नहीं हो सकता है। अब वो तकनीकी समाधान के लिए DPR बनाने का कार्य ADA के पास दिया हुआ है, उसको जल्दी जल्दी परस्यू करवाएंगे और ऐसा समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश रहेगी कि जो ये समस्या है इसका पूर्ण रूप से हमारा एकदम एक ही बारी में निस्तारित हो जाए। कोई कोशिश नहीं।